हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर दिखाने वाला हूँ कैसे आप किसी भी नॉर्मल सी मोबाइल शूट फोटो या DSLR पे शूट किया हुआ फोटो को एक परफेक्ट सा DSLR टोन वाला फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो वो वाला चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहना और सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो कर लेना, ताकि मैं जो जो स्टेप्स की मदद से DSLR टोन फोटो एडिटिंग करने वाला हूँ वही वाला एडिटिंग आप भी सेम टू सेम कर पाओ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर कर वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। चलिए, मैं डेस्कटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहां पे ले जाके आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। तो देख सकते हो मैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे सिंपली यही वाला फोटो के ऊपर काम करूंगा। सबसे पहले देखो, ये मेन फोटो मैंने ले लिया और साथ में एक लाइट फ्लिक है उसको मैंने ले लिया। अभी मेन फोटो के ऊपर सबसे पहले काम है। तो देखो, मेरा फोटो कुछ इस प्रकार से है। अभी यहाँ पे क्या करना होगा, पहली स्टेप्स आपको एडजस्टमेंट आइकन पे जाके सबसे पहले चैनल मिक्सर वाली लेयर लेना पड़ेगा। अभी देखो, चैनल मिक्सर वाली लेयर जो है, यहाँ पे आउटपुट चैनल आपको रेड रखना होगा और यहाँ से जो इसका जो सेटिंग्स है यहाँ पे कुछ चेंजेस करना होगा। सबसे पहले ग्रीन कलर को कर लो -100 एंड सिंपली यहाँ से ब्लू कलर को कर लो 100। अभी देखो, पहला स्टेप्स यही हो गया। फिर आपका इस तरह से आपको अमाउंट डालना है और सिंपली कर देना है ओके। अभी ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड के साथ साथ मेन सब्जेक्ट के ऊपर भी कलर यहाँ पे आ गया है। आपको ये मेन सब्जेक्ट के ऊपर से ये कलर हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मास्क के ऊपर क्लिक करो और ब्रश टूल की मदद से देखो, यहाँ पे आपको ब्रश टूल सबसे पहले चूज करना होगा ये वाला। और चूज करने के बाद देखो, मास्क का कलर मेरा व्हाइट है तो मैंने फोरग्राउंड कलर ब्लैक करूंगा। और ब्लैक करने के बाद देखो, जहाँ जहाँ पे आपका ये जो स्किन के ऊपर वगैरह और ड्रेस के वगैरह ऊपर जो कलर एक्स्ट्रा आ गया है ना, ये सारा कुछ आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके सारे जो कलर्स है ना, वो कलर्स फिक्स कर रहा हूँ। आप देख सकते हो किस तरह का कलर से सारा कुछ आ गया है। चलिए, सबसे पहले पूरा इतना सारा फिक्स कर लेता हूँ। और फिक्स करने के बाद जो स्टेप्स आपको दिखाऊंगा वो सारा स्टेप्स बहुत ही वाइटल है। तो आपको वो सारा स्टेप्स अच्छे से आपको समझना होगा और अप्लाई करना होगा अपना फोटो के ऊपर। तो देख लो, सबसे पहले वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मैं यहाँ पे सारा जो काम कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी चीजें आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हो मैंने मेन सब्जेक्ट से ये वाला कलर हटा दिया। अभी देख लो, ओनली बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा ग्रीन टोन आ चुका है। आप अभी क्या करना होगा, अभी एडजस्टमेंट आइकन पे जाके काम मेन करना होगा, जो कि है इस फोटो के ऊपर लाइट कम है। तो लाइट फिक्स करने के लिए लेवल्स वाला लेयर लिया और ये RGB पे ही ये राइट साइड वाला कुछ ड्रैग करूंगा, इतना तक, नियर अबाउट इतना तक। मैं ड्रैग करने के बाद आपको जितना तक मर्जी चाहिए होगा उतना मैंने कर लिया और सिंपली यहाँ से करूंगा ओके। तो लाइटनेस आपके फोटो के मुताबिक आपको डिपेंड करता है। जैसे कि मेरा एक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो मैंने कुछ इतना तक ड्रैग कर दिया। अभी मेरा लाइटनेस परफेक्टली फिक्स हो चुका है। अभी मैं जो काम करने वाला हूँ, इस जो बैकग्राउंड का जो ग्रीन है वो बहुत ही बढ़िया टाइप का ग्रीन लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए एडजस्टमेंट आइकन पे जाके सबसे पहले यहाँ पे जो काम करूंगा सिलेक्टिव कलर वाला ले लूंगा और यहाँ से ग्रीन वाला कलर को चूज करके देखो, जो अमाउंट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी अमाउंट डालना है। ग्रीन को 100, कैन को 100, मैजेंटा को -100 एंड येलो को +100। इन सारे चीज़ें वगैरह आपको अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली कर देना है ओके। या चाहो तो एक काम कर लो, येलो का थोड़ी सी कलर टोन फिक्स कर लो। जैसे कि मैं अगर येलो का कलर टोन थोड़ा सा इस तरह से ऐड वगैरह कर देता हूँ, आप लोगों को परफेक्टली येलो टोन यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख लो, बहुत ही बढ़िया सा येलो टोन मिल गया है। अभी जो काम करूंगा स्किन के ऊपर, तो स्किन के ऊपर क्या करना होगा, अभी स्किन के ऊपर एडजस्टमेंट आइकन पे जाके एक हुई सैचुरेशन वाला ले लो, जहाँ पे सबसे पहले आपको रेड कलर को चूज करना है। रेड का सैचुरेशन देखो कुछ इतना तक ड्रैग किया और घटा के मैंने लाइटनेस को लिटिल बिट इंक्रीज किया। लाइटनेस आप ना भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जाऊंगा येलो के ऊपर, येलो का सैचुरेशन भी लिटिल बिट घटा दिया और सिंपली कर दिया ओके। अभी इसका मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट किया और ओनली ब्रश टूल की मदद से फोरग्राउंड कलर मैं ब्लैक रखूंगा, क्योंकि मास्क का कलर व्हाइट है, सॉरी मास्क का कलर ब्लैक है, तो इसीलिए फोरग्राउंड कलर व्हाइट रखूंगा। और करके देखो, मैं ब्रश कर रहा हूँ तो धीरे धीरे करके यहाँ पे जो येलो टोन वगैरह सारे कुछ स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा था वो सारा कुछ पहले फिक्स हो रही है।
पहले आप लोग ये वाला चीज़ें वगैरह ध्यान रख के काम कर लो, और उसके बाद आपको बाकी चीज़ें भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी स्टेप्स की मदद से ये जो परफेक्ट सा टोन है वो आपको मिल जाती है। अभी देखो, अभी लाइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये वाला आइकन पे जाके अगेन वही वाला को चूज ओपन कर लिया जो हुई सेचुरेशन वाला, लाइटनेस को येलो एंड रेड का दोनों का आपका लाइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है और सिंपली करना है ओके। तो अभी देखो मेरा फोटो इतना तक बन चुका है। अभी मैं एडजस्टमेंट आइकन पे जाके एक काम करूंगा जो कि है कलर वेरिएंस वाला लेयर लूंगा जो कि कलर टोन फिक्स करने में काम आती है। मैं यहाँ से हाइलाइट्स कलर को चूज करूंगा और यहाँ से ब्लू वाला कलर को सबसे पहले 25 के आसपास इंक्रीज किया। मैजेंटा को यहाँ पे माइनस 10 एंड यहाँ पे क्यान के साइड पे जो है वो क्यान के साइड पे यहाँ पे मैं नियर अबाउट माइनस 10 के आसपास। अभी इतना सारा चीज़ें होने के बाद मैं किया ओके। अभी ये वाला लेयर की मदद से देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लू टोन भी फिक्स हो चुका है। अगर स्किन के ऊपर थोड़ी सी लाइटनेस चाहिए तो एडजस्टमेंट आइकन पे जाके आप ले सकते हो सॉलिड कलर वाला लेयर जहाँ पे कलर होगा व्हाइट, और सिंपली इसका राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पहले ओपन कर लो, और यहाँ पे जो अंडरलाइन लेयर देख सकते हो ब्लेंडिंग ग्रे ही रहेगा, अंडरलाइन लेयर को राइट साइड तक ड्रैग करके कर दो ओके, और इसका ब्लेंडिंग मोड को कर लो यहाँ से सॉफ्ट लाइट। देखो सॉफ्ट लाइट मैंने कर लिया, अभी स्किन भी ग्लो हो रही है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा मास्क की मदद से कंट्रोल आइडर बताए मास्क को इन्वर्ट करो। अभी देखो मास्क का कलर ब्लैक आया है तो फॉरग्राउंड कलर मैंने व्हाइट रखूंगा, और यहाँ पे देखो ब्रश टूल की मदद से आप स्किन के ऊपर भी इस तरह से ब्रश कर सकते हो ताकि यहाँ पे जो स्किन का टोन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्किन के ऊपर आ जाए। और अभी देखो कितना बढ़िया लग रही है फोटो, बहुत ही बढ़िया लगेगा। अभी सिंपली जो काम करना होगा वो है सबसे पहले यहाँ से जो लाइट फ्लेक है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो अपना मेन फोटो के ऊपर। अभी इसका ब्लेंडिंग मोड कर लो यहाँ पे स्क्रीन, और स्क्रीन करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ सकता है, तो अपने फोटो के मुताबिक कहाँ पे प्लेस कर रहे हो उसके मुताबिक यहाँ पे काम आता है। अभी देखो मैंने कुछ इस प्रकार से प्लेस कर लिया, अभी बहुत ही बढ़िया भी लग रहा है, लेकिन वन चीज़ आपको एक काम करना पड़ेगा जो कि फोटो के ऊपर बहुत सारा डस्टी टाइप का कलर्स रह सकता है, वो सारा कुछ फिक्स करने के लिए आपको लेना पड़ेगा सिलेक्टिव कलर वाला लेयर। अभी यहाँ से ब्लैक कलर को चूज करो, ब्लैक का जो ब्लैक होगा वो प्लस 5 के आसपास इंक्रीज कर लो, नेचुरल कलर का चूज करो इसको प्लस 5 के आसपास इंक्रीज कर लो और सिंपली कर दो ओके। अभी देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे कलर टोन फिक्स हो चुका है, लेकिन अगर ग्रीन टोन और भी परफेक्ट चाहिए तो आप एक काम परफेक्टली और एक कर सकते हो जो कि है सिलेक्टिव कलर वाला लेयर अगेन ले सकते हो। अभी इसका ग्रीन टोन पहले कलर ग्रीन कलर को चूज करो, अगेन आप जो अमाउंट मैंने इससे पहले भी दिया था नॉर्मली ओनली मैजेंटा को छोड़ के ये वाला को छोड़ के बाकी सारा कलर इस तरह से फिक्स कर दो, तो देखो बहुत ही बढ़िया लग रही है। कलर टोन तो फिक्स हो चुकी है, लेकिन अगर चाहते हो ऑयल पेंटिंग वाला इफेक्ट तो एक काम कर लो, सारे को सबसे पहले ग्रुप आइकन के क्लिक करो, ऊपर ग्रुप आएगा, आप ड्रैग करते रहना सारे जो लेयर्स है इस सारे को ग्रुप के अंदर ड्रैग करते रहना, तो आपका ड्रैग करते करते ये सारा कुछ इस तरह से ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा। अब सिंपली ये ग्रुप के अंदर ऐड कर लेता हूँ, और बैकग्राउंड को कंट्रोल जे दबाते हो या राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर पहले बना लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से बना लिया, इसको भी ग्रुप के अंदर डाल दिया। अभी देखो अभी ये वाला लेयर की पूरा चेंजेस देख लो, ये वाला लेयर का डुप्लीकेट लेयर सेट बना के मार्च करके उसके ऊपर ऑयल पेंटिंग वाला फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, तो अभी चेंजेस देख लो किस तरह का चेंजेस आया है। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा, और आज का ट्यूटोरियल भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आती है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नया तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं नए को एडिटिंग के साथ नए को ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।